सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू कैंपस वाला मैं हूँ आपके एंकर मेनका जाट सो so, स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ रिलेटेड टू एम बी एम बी बी एस इन जॉर्जिया हमारे पास स्टूडेंट के कॉल एंड मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम जॉर्जिया में फॉर सेप्टेम्बर इंड टैक के लिए कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन अभी है या नहीं है सो so, स्टूडेंट्स अभी आपके पास जॉर्जिया में सेप्टेम्बर इंड टैक के लिए एडमिशन्स लेने के लिए दो से तीन यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन अवेलेबल है फ़र्स्ट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया सेकेंड इज़ बातुमी शोता यूनिवर्सिटी एंड थर्ड इज़ एस यू यूनिवर्सिटी जिसे हम जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी कहते हैं अब हम जान लेते हैं फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन दिस यूनिवर्सिटी सो आपका ट्वेल्थ पी सी भी फिफ्टी परसेंट अबब होना चाहिए एंड आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए आप क्वालिफाइड डिपेंड करता है एवरी ईयर के नीट कट ऑफ पे एंड फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपने 2022 में 2023 में या 2024 में भी नीट एग्ज़ाम दिया है तो भी आप एलिजिबल हो क्वालिफाइड हो अगर आप तो भी आप एलिजिबल हो इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स लेने के लिए बिकॉज ऑफ अब्रॉड में जो वन ईयर का नीट स्कोर होता है वो थ्री ईयर्स तक के लिए वैलिड होता है सो so, जॉर्जिया में अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू बजट सो जो यूनिवर्सिटीज़ का आपका जो बजट जाएगा वो थर्टी फाइव टू फोर्टी लैख के अंडर्स में जाएगा जिसमें आपका ट्यूशन फ़ीस हॉस्टल फूड इंक्लूड होगा अगर आप एम की स्टडी जॉर्जिया से करते हो तो जॉर्जिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सी पैटर्न को फॉलो करती हैं इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप जॉर्जिया की इन यूनिवर्सिटी से एम की स्टडी करो साथ ही साथ में आप यू से पी करो यानी कि यू एस अगर आप यू एस के प्रपरेशन करते हो इस कंट्री से एम की स्टडी करने के बाद क्योंकि जॉर्जिया सी बी एम ई पैटर्न को फॉलो करता है जो कि यू एस बेस्ड होता है तो यू एस एम ए की प्रपरेशन करने में आपको और बेनिफिट मिलता है एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ इन एम बी बी एस इन जॉर्जिया तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड हमारे काउंसलर से आप बात कर सकते हैं थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे